वर्दी पहनने वाले लोगों की भी जान सुरक्षित नहीं है। डूब के मर जाना चाहिए सुल्लू भर पानी में कि इनकी नाक के नीचे अपराध हो रहे हैं। राजस्थान की पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। आज हमने आपसे सवाल किया था कि क्या सरकार माफिया राज को रोकने में कामयाब है और 60% दर्शकों की राय है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि 40% सरकार के हक में भी है। सवाल 60% का है जो मानते हैं कि, तो फिर ऐसे हालात में सवाल इस बात का है कि इस माफिया राज को, इस गुंडा राज को पैदा होकर फल फूलने से कैसे रोका जाए। घनश्याम मेहर साहब, आपकी राय जानना चाहता हूं कि सरकार से आप ऐसे हालात में क्या उम्मीद करेंगे? देखो, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो 2.5 साल जिस तरह इनने निकाले हैं, इसी तरह से बाकी के 2.5 साल ये निकालना चाहते हैं। ये सिवाय कांग्रेस का गाना गाने के अलावा और इनके पास कोई कार्य नहीं है, न इनकी कोई कार्य योजना है। पुलिस महकमे को अगर ये पूरी तरह से नए हथियार साधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, थोड़ा बहुत ये बजट देते हैं तो हेडक्वार्टर वाले गाड़ी वाड़ी खरीद लेते हैं। नीचे थानों में जरूरत पड़ती है, उनको हथियारों की जरूरत पड़ती है, गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। उनके पास कोई गाड़ियां घोड़े नहीं है, खटारा गाड़ियां हैं, वो थोड़े बहुत घूम फिर के बेचारे अपना काम चला लेते हैं। अगर आपने बजट दिया है तो पहले उनको गाड़ी उपलब्ध करानी चाहिए थानों में, और हेडक्वार्टर वाले अधिकारी गाड़ी घोड़े इनके उसमें सुविधा में खर्च कर लेते हैं। नीचे वो व्यवस्था पहुंच नहीं पाती। अपराध कैसे कम होगा ये बताओ। और अगर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई सवाल करते हैं तो पूर्ववर्ती सरकार ने कर दिया, कांग्रेस गवर्नमेंट के कुकर्मों का फल है। अरे भाई, आप लोग शासन में आ गए, 163 लोग आप सत्ता में हो, आप नया कानून बना सकते हो, जो मर्जी आया कर सकते हो। इस प्रदेश की जनता को सुरक्षा की जरूरत है। अगर आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा तो फिर इस प्रजातंत्र में शासन गोठवाल साहब, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद की जानी चाहिए? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है जनता। मुझे ये है, और मैं अब आपको एक बात सत्य कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर राजस्थान पुलिस का आज भी आंकड़ों के आधार पे, कार्यशैली के आधार पे उसका स्थान है। अन्य राज्यों के मुकाबले में आज भी बहुत अच्छी और अच्छी पुलिस मानी जाती है। गिर जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग, हथियार और एक तीसरी चीज जिसका डिस्कशन हुआ था, मनोबल के ऊपर पुलिस का ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। ये जो पिछले दिनों एक एपिसोड हुआ था, उस एपिसोड को छोड़ के अगर मान लो पुलिस का मनोबल बढ़ाया जाए तो हम और कामयाब हो सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या कामयाब पुलिस को बनाने में सरकार अब मदद करेगी? कि जो सहूलियतों का जिक्र गृह मंत्री जी सदन में कर रहे थे, आपको लगता है कि वो सहूलियतें दिलाने में कामयाब रहेंगे? नहीं, बिल्कुल रहेंगे, और सरकार को करना ही है। इसमें सरकार कोई बचकर भागने की कोशिश थोड़ी कर रही है। सरकार मैंडेट के साथ है, जनता ने बहुमत दिया है। सरकार पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी कमी जो पुलिस में है वो नफरी की भी एक बड़ी कमी है, हमारी संख्या बल की भी कमी है, जिसकी वजह से हम लोग पूरा उतना नहीं कर पाते जितना कि करना चाहिए। उसमें पुलिस में भर्ती के लिए भी गुंजाइश है, वो भी सरकार करेगी। पुलिस को आधुनिक हथियार देने की बात भी करेगी, और भी जो सुधार पुलिस में होना चाहिए वो करने की बात करेगी। लेकिन इसको, इन सब चीजों को पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर, राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर राजस्थान की जनता के हित में एक सकारात्मक रूप में सबको लेने की जरूरत है। हम लोग पुलिस के मनोबल को गिरने के बजाय हम लोग पुलिस को इतना तो मनोबल उसके साथ खड़ा होने की कोशिश करें कि अगर कोई अपराधी हम पर बंदूक चला रहा है, हम पर गोली चला रहा है, तो हमको इतना तो मनोबल हो कि हम उस पर गोली चलाएं। उसको यह डर लगने लगता है कि मेरे को उठा के बंद कर देंगे अंदर, मेरी जिंदगी सट जाएगी जेल के अंदर। आप अगर इस तरह का हैरान हो कि सरकार आपकी है, उसके बावजूद ये बयान है। मैं सब पक्षों को सुनने के बाद ओम सैनी जी आपका रुख करना चाह रहा हूं। पुलिस का रुख हमने सुना, पक्ष विपक्ष का रुख हमने सुना, लेकिन आपको लगता है कि कहीं कोई कमी है जिस पर फिलहाल बुनियादी तौर पर ख्याल करने की जरूरत है? देखिए, हमारे सुरक्षा बलों के लिए जो कुछ तय हुआ है, खासतौर से ट्रेनिंग के मामले में, और उसके साथ साथ में उनके भविष्य के बारे में, उसमें काम करने वाले आदमी को पूरा सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, ताकि वो समाज की ठीक से सेवा कर सके और अपने आप को भी सुरक्षित महसूस कर सके। ये दोनों चीज़ें नहीं है। मैं मनोबल का अर्थ ये नहीं होता कि किसी को ये मौका दे दिया जाए कि साहब आपके ऊपर कोई अगर पत्थर फेंक रहा है तो आप गोली मार दीजिए। मतलब इसीलिए मेरा ख्याल है कि जो पुलिस यूनिवर्सिटी राजस्थान में बन रही है, जो बनी है, जो है, अब वहाँ से बेहतर ऑफिसर्स निकलेंगे, ऐसे ऑफिसर्स निकलेंगे जो शायद समाज के प्रति अपने आप को जिम्मेवार समझेंगे और जो समझेंगे कि ये समाज है, इसको हमें ब्रिटिश शासन की तरह से पेश नहीं आना है, हमें अपने समाज को सुधारना है। तो ये भावना जब पैदा हो जाएगी पुलिस में तो मुझे लगता है कि उसके बाद में कोई संकट नहीं रहेगा। और लीडरशिप दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के गृह मंत्री को अपनी लाचारी का बयान विधानसभा में नहीं देना चाहिए। उनको बार बार ये कहना चाहिए कि हम सब कुछ ठीक करेंगे, जो माफिया डेवलप हो गया है या हमारे पुलिस में कोई खामी आ गई है हम उसको दुरुस्त करेंगे। वो बार बार लोगों पे डालने की जो चेष्टा करते हैं ये ठीक नहीं है। जनता सुनती है और सुनकर के हम भी मानेंगे कि सूरत बदलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ ही आपसे विदा चाहेंगे। आज इस चर्चा में इतना ही।